नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। देहरादून में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी हाईकमान की ओर से बनाए गए पर्यवेक्षक, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी सांसद अजय भट्ट, सांसद माला राज लक्ष्मी शाह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। वहीं बैठक के समापन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो रहे हैं, इसी संबंध में बैठक में चर्चा की गई है। कोर ग्रुप की बैठक थी, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री दोनों लोग यहाँ आए थे। विशेष रूप से क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो रहे 18 तारीख को, उस कार्यक्रम को कैसे किया जाए और सरकार की उपलब्धियों को कैसे हम जनता तक पहुंचाएं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। माननीय सांसदगण, सभी सांसदगण यहां पर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी भी आने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से लेट हो गए हैं। अब बैठक समाप्त हो गई है, किसी के कोई किसी प्रकार के मनमुटाव नहीं है। निश्चित रूप से पूरे रहेंगे, पूरा कार्यक्रम। लेकिन सर कुछ इस तरीके की खबरें चल रही है कि नेतृत्व में सब हुआ है? नहीं, आनंद खान में नहीं खत्म हुआ, पहले से तय था कि आज दोपहर को खत्म। सर बदलाव को लेकर कोई बदलाव की कोई चर्चा नहीं है, किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करनी में चल रहा है, कोई यहाँ पार्टी में नहीं चल रहा है। इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जे न्यूज के साथ। नमस्कार।